नीचे या काबा शरीफ के पास माशाल्लाह जोर के टाइम का ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। बाबुल उमरा के सामने मैं खड़ा हूँ, माशाल्लाह बहुत रौनक है हरम शरीफ में। काबा शरीफ के जो भी पहुँचते हैं वो नौकर पे अजर सदे, सब हाथ से बोसा देते हैं बिस्मिल्लाह अकबर कहकर। यहाँ पे ये देखे ये लोगों को रोकना बोसा देते हैं इसको बिस्मिल्लाह अकबर कहकर तवाफ़ के दौरान। ये बैक साइड पर रुकने अमानी है, इसको सिर्फ हाथ लगाने बोसा नहीं लेना। सामने अब्दुल अजीज़ गेट है, यहाँ से आप लोग कपड़ों में भी तवाफ़ के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इस साइड अजियाद रोड है, अजियाद अल असद रोड है, पहले दिखाया। यहाँ से आप लोगों ने अंदर जाने मक्का क्लॉक टावर है, 76 फ्लोर है, दुनिया का तीसरा बड़ा टावर है। इसका जितना भी इनकम आते हैं सब हर लोग अंदर नमाज के लिए आ सकते हैं कपड़ों में भी, लेकिन आगे काबा शरीफ के पास नहीं आ सकते। यहाँ ये रोड है अजियाद रोड पर, पैर रखने की जगह नहीं है, फुल भर चुका है माशाल्लाह। रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीम। अल्लाह को करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काशिफ नूर और मैं मक्का हरम शरीफ में काम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज हफ्ते का दिन है, तारीख है 23 नवंबर 2024। मैं आप लोग को पूरी मस्जिदुल हरम की ज़ियारत कराऊँगा, मेरे साथ रहिए वीडियो एंड तक। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह अभी सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम वर्कर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। ये ऊपर सब वर्कर की बसें आ रहे हैं, यहाँ से ये पूरा रोड यहाँ पे जाम है। उस तरफ वर्कर की बस है, इस साइड जो है हुजाज की बस है। माशाल्लाह जिनका रिहाइश दूर होता है वो ट्रेवल के ज़रिए आते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह वर्कर आ रहे हैं। यहाँ पे आगे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे वर्कर जा रहे हैं। यहाँ पे वर्कर सुबह के टाइम नाश्ता भी करते हैं, एक रियाल में चाय मिलते, एक रियाल में पराठा, दो रियाल में आप लोग पूरा नाश्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह एक क्लॉक टावर है, सुबह 6:15 का टाइम है। यहाँ पे वर्कर बसों से उतर रही है और यहाँ से फिर आगे पैदल मस्जिदुल हरम में जा रहे हैं। माशाल्लाह भी आगे जाते आगे आप लोगों को ज़ियारत कराते। रश बहुत ज़्यादा है पार्किंग में, यहाँ पे भी वर्कर उतर रहे बसों से। ये मेन रोड है ऊपर वाला, ये मेट्रो का स्टॉप है। यहाँ पे मेट्रो का जो है 4 रियाल कराया है। ये 10 नंबर बस जो है मस्जिद जोराना भी जाते, लास्ट स्टॉप है उसका, और मस्जिद आयशा भी जाते हैं। मस्जिद आयशा जाते वक्त आप लोगों ने 4 नंबर स्टॉप पे उतरने, फिर आप लोगों ने बैठने 12 नंबर बस पे, वो सीधा मस्जिद आयशा जाते हैं। यहाँ से वर्कर भी आ रहे हैं, इस साइड ये हुजाज की बस है। माशाल्लाह सुबह सुबह की ये खूबसूरत मनाजर आप लोग देख रहे हैं, ये सब हुजाज की बस है। यहाँ पर अभी सुबह का नमाज पढ़ के लोग आ रहे हैं बाहर बसों में। रश भी इतने ज़्यादा है कि एक बस में जो है बैठने की जगह नहीं होता, खड़े भी होकर लोग जा रहे हैं। माशाल्लाह ये ग्रुप आ रहे हैं अभी इस साइड पे, ये हुजाज भी यहाँ पे साइडों पे खड़े और ऊपर से वर्कर भी आ रहे हैं। यहाँ पे हुजाज की बस है, यहाँ से ये मस्जिदुल हरम से लोग बाहर आ रहे हैं। जिस टाइम मैं आया उस टाइम थोड़ा अंधेरा था, अभी थोड़ा थोड़ा रोशनी लग गया। अभी 6:25 का टाइम है, यहाँ तक जो है टैक्सी आते, यहाँ पर आगे लोग पैदल जाते हैं मस्जिदुल हरम में। इस तरफ ये यहाँ से अब लोग निकल के मस्जिदुल हरम से, ये बड़ा बिल्डिंग जो है इसके साथ जन्नतुल माला, मस्जिद जिन, मस्जिद फतह, मस्जिद शजर, ये 3-4 जा रहे थे। यहाँ पे पैदल आप लोग जा सकते हैं। ये इंतज़ारगाह है यहाँ पे गजा पार्किंग में, वो मेट्रो का स्टॉप है, पहले भी बताया। ये एक मेट्रो बस आ रहे माशाल्लाह, यहाँ से आप लोग ताइफ, मदीना, जद्दा हर तरफ के लिए जा सकते है। ये टैक्सियाँ यहाँ पर खड़ी है, हर तरफ ये गाड़ियाँ जाती है। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, अभी जाते अंदर मस्जिदुल हरम के अंदर ज़ियारत कराते आप लोगों को। पहुँच गए मस्जिदुल हरम में, माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। ये सामने है WCA मरवा के साथ अबू जेल का करता, पहले अभी वॉशरूम है। माशाल्लाह ये जगह नाइट के टाइम पे नमाज के लिए बनाते, ये सफ़े अभी फोल्ड करेगा। नमाज ख़त्म होने के बाद अभी जब सूरज आने से पहले पहले ये जगह जो है दोबारा ये सफ़े वगैरह फोल्ड करेगा। यहाँ पे नमाज़ी बैठे अभी भी,
ये सामने यहाँ पे सफ़ा मरवा का इंड है, इस सेट सफ़ा है, उस सेट मरवा है, लेकिन यहाँ पे ख़त्म होते हैं, आखिरी चक्कर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे इस तरफ आप लोगों ने जाने मस्जिद जिन की तरफ, ये स्ट्रेट रास्ता गया हुआ है, और उस तरफ जो है आप लोगों ने जाने इब्राहिम खलील रोड, हिजरा रोड, जियाद रोड। माशाल्लाह सुबह सुबह के ये खूबसूरत मनाजर आप लोग देख रहे हैं। वैसे रास्ता यही इस्तेमाल होते हर टाइम, ये रास्ता जो है कभी कभी खुल होता है, ये स्ट्रेट यहाँ से लोग अंदर जा रहे। अभी आगे यहाँ पे ज़ियारात से उस ज़ियारात कराते हैं आप लोगों को। कबूतर देखे इस साइड, ये कबूतर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, ये सब उस कबूतर का नस्ल है जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फना लिया था गारिसोर में, तो इस कबूतर ने दाने डाले थे, अंडे डाले थे, ये सब उस कबूतर का नस्ल है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आके आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं। ये वाला जो दफ्तर है, ये आप लोगों से कोई गुम हो जाए तो यहाँ पे आप लोग उसका रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। गुमशुदा अफराद की रहनुमाई का मरकज़, ये सामने सफ़ा मरवा का फर्स्ट फ्लोर का लास्ट गेट है, यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, यहाँ से भी आप लोग फ्री व्हील चेयर ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आप लोग के पास सिम लाजमी होना चाहिए। यह बुजल का जो घर है उसके ऊपर की जगह, ये सामने जो दफ्तर है यहाँ से आप लोगों से जो भी सामान गुम हो जाए यहाँ पर आप लोग उसको मालूमात कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ये जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, यहाँ पे उनका पैदाइश हुआ था, और ये जो जगह यहाँ पे पहले जमजम पानी था, लोग पानी भरते थे यहाँ से, अभी फ्री बैग रखते हैं यहाँ पे। इस साइड ये महवजे जैन वाला पार्किंग है, दो टनल जो है यहाँ से लोग हज के लिए जाते पैदल, ये जिधर लोग शैतान को मारते जमराती तरफ निकले, अजीज़िया की तरफ भी गए, और ये जब लिखो बेच यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़ों के चांद के दो टुकड़े किए थे। ये जगह असर के बाद जो है नमाज के लिए बनाए थे, उस टाइम चौवा थे इधर, ये भी सब फोल्ड कर रहे मक्का हरम शरीफ के खादिमीन। ये भी एक ग्रुप आया तुर्की का माशाल्लाह, बहुत बड़ा ग्रुप है। इस साइड ये रास्ता स्ट्रेट जो है ऊपर WC3 की तरफ गया हुआ है, जो जोर के बाद मैं दिखाता हूँ, जो जहर के बाद मैं दिखाता हूँ, ये नीचे रास्ता भी WC3 की तरफ गया हुआ है, अजियाद रोड, हजरा रोड, इब्राहिम खलील रोड। यहाँ पे ये बाबुल सलाम है, ये फर्स्ट फ्लोर है माताफ का, यहाँ से जमजम पानी लोग भर रहे हैं, और ये सामने जो है ये फ्री व्हील चेयर का दफ्तर है, यहाँ से आप लोग व्हील चेयर ले सकते हैं, लेकिन जिसको कराना है उसको लाजमी साथ ले कर आना होगा। यहाँ पर भी ये जमजम पानी इस दीवार के साथ यहाँ तक जो है जमजम पानी लगा हुआ है, और इस तरफ ये सफ़ा मरवा का बिल्डिंग है, यहाँ पे आखिरी गेट है सफ़ा मरवा का, यहाँ पे आप लोगों ने उम्रा ख़त्म करना है, इस तरफ WC3 की तरफ जाने, और इस तरफ जो है आप लोगों ने जाने मस्जिद जैन की तरफ। अभी नीचे जाता हूँ, ये सही ख़त्म होता है, और ये यहाँ पे हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था, यहाँ पर सही ख़त्म होता है, ये सफ़ा मरवा का लास्ट गेट है, इस तरफ आप लोगों ने मस्जिद जैन की तरफ जाने। ये WC भी एक साइड लेडीज एक साइड जेंट्स है, टॉयलेट है, यानी WC का मतलब है टॉयलेट। इस साइड ये बाबुल सलाम है, ये बाबुल सलाम से लोग एग्जैक्ट आ रहे, यहाँ से अंदर हजी कभी छोड़ते कभी नहीं छोड़ते, लेकिन ये ज़्यादातर एग्जैक्ट पे यूज़ होते हैं। ये सफ़ा मरवा का बिल्डिंग है, और ये स्ट्रेट इस तरफ आप लोगों ने जाने हिजरा रोड, अजियाद रोड, WC3, इब्राहिम खलील रोड। इसके बाद मैं आप लोगों को काबा शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ। के टाइम पर यहाँ पर भी सफ़े बिछाए थे, अभी जमा कर रहे मक्का हरम शरीफ की खादिमैन। ये स्ट्रेट रास्ता जो है क्लाक टावर की तरफ गया हुआ, इसके बाद मैं आप लोग काबा शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं काबा शरीफ के पास आया। माशाल्लाह सुबह के टाइम हरम शरीफ में बहुत रौनक होता है, क्योंकि यहाँ के मुकामी लोग भी आते हैं, और दूसरा यह है कि गर्मी नहीं होता सुबह के टाइम, दिन को अभी भी गर्मी है, बाकी मुल्कों में जो है मौसम चेंज हो गया, यहाँ पर अभी भी गर्मी है। नाइट अभी जो है थोड़ी सी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन दिन को अभी भी गर्मी रहती है माशाल्लाह। मदीना का मौसम अभी सही है, गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पे अभी गर्मी अभी भी तेज़ है माशाल्लाह। तवाफ़ काबा की सुबह सुबह की ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। ये सफ़ा मरवा की तरफ लोग जा रहे, ये सब लोग जो है अभी सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। जिन लोगों ने तवाफ़ ख़त्म किया हुआ है यहाँ पर नफल पढ़ रहे, नफल पढ़ने के बाद जाएगा सफ़ा मरवा की तरफ,
माशाल्लाह सुबह सुबह के ये खूबसूरत मनाजर आप लोग देख रहे हैं तवाफ़ काबा की। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को यहाँ आने की तौफीक अता करे। इसके बाद मैं जोर के टाइम आप लोग काबा शरीफ की भी ज़ियारत कराऊँगा, बाहर से मस्जिदुल हरम की भी ज़ियारत कराऊँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह अभी असर का जोर का अजान का टाइम है, तवाफ़ काबा जा रही है। सुबह के टाइम भी काबा शरीफ की ज़ियारत कराया था, माशाल्लाह बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। काबा शरीफ की लाइफ मनाजिर है जोर का टाइम है। ये सामने नौकर पे हजर अस्वद है, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो है तवाफ कर रहे, उम्र अदा कर रहे। काबा शरीफ की लाइफ मनाजिर है, अभी जोर का अजान स्टार्ट हो जाएगा, एक दो मिनट रह गए अजान में। माशाल्लाह बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। ये बैक साइड भी लेडीज के लिए नमाज के लिए जगह बनाए हैं, आगे जेंट्स है। अभी सफ़े बन गई नमाज के लिए, अभी भी कुछ लोग तवाफ कर रहे। इस टाइम तवाफ ना करें, इस टाइम ये लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये देखो कि तवाफ़ रुक जाए, इन लोगों को भी तकलीफ़ ना दो और ख़ुद को भी तकलीफ़ ना दो। जिधर तवाफ स्टॉप किया वहाँ से दोबारा नमाज के बाद शुरू करें, इस टाइम तवाफ बेशक ना करें। 5-10 मिनट जो है नमाज पे लगता है, उसके बाद दोबारा तवाफ स्टार्ट करें। माशाल्लाह ये सब यहाँ पे पहुँच के हाथ से हजर अस्वद को बोसा दे रहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। देखो हजर अस्वद के पास जो भी पहुँचते वो नौकर पे हजर अस्वद है, सब हाथ से बोसा देते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। यहाँ पे ये देखे ये लोगों को रोकना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं रोक रहे, तो आप लोग देखा करें नमाज के टाइम पे इनके साथ थोड़ा सा मुशाहिदा किया करें। जब ये लोग बोलते कि तवाफ़ रोको, रोक लिया करें, इनके लिए भी तकलीफ़ ना बने, इनकी भी ड्यूटी है और अपने लिए भी तकलीफ़ ना बनाए। ये सफ़ा मरवा का रास्ता है, यहाँ पे ये लेडीज है, यहाँ पे ये नौकर पे हजर अस्वद है। माशाल्लाह अभी अजान स्टार्ट हो जाएगा, काबा शरीफ की लाइफ मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह मस्जिदुल हरम में बहुत يا رسول الله।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ोहर का अज़ान था, फिर नमाज के बाद मैं ज़ियारत कराता हूँ आप लोगों को। नमाज से पहले भी ज़ियारत कराया, अभी नमाज के बाद काबा शरीफ का ज़ियारत करें। अभी ज़ोहर का नमाज हुआ है, तकरीबन 2 मिनट पहले ज़ोहर का नमाज हुआ है। माशाल्लाह बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। उस टाइम ये सामने जगह खाली था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर इमाम काबा बैक साइड पर नमाज पढ़ाते, तो इसलिए सामने जगह खाली छोड़ते। ये हजर असवद और रुकन अमानी के सेंटर में जो जगह, ये खाली छोड़ते। यहाँ पे इमाम काबा नमाज पढ़ाते, इसलिए ये जगह खाली छोड़ दे। ये सामने यहाँ पे लोग सफा मरवा पे जा रहे हैं, ये सही करने की जगह बोर्ड लगा हुआ है। वो अब्दुल्ला गेट की सीढ़ियों से लोग आ रहे हैं। इस तरफ ये अब्दुल्ला गेट है, ये सामने इस साइड उमरा गेट है, और यहाँ पे ये यहाँ से सही नज़र नहीं आता। ये सीढ़िया जो है इसके साथ फात गेट है, फात गेट का रास्ता ये। माशाल्लाह बहुत रौनक है हरम पाक में। अभी नज़दीक से काबा शरीफ देखें, ये नौकर पे अजर असवद है, इसका बोसा लेने। हाथ से भी लोग बोसा देते हैं इसको, बिस्मिल्लाह अकबर कहकर तवाफ़ के दौरान। जब बैक साइड पे रुकने अमानी है, इसको सिर्फ हाथ लगाने, बोसा नहीं लेना। ये सेंटर में जो जगह, यहाँ पर अल्लाह मरबाना का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये इस स्टेडियम मुल्तज़म की जगह है, जहाँ पे ये पुलिस वाला के साथ ये आदमी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक को गिड़गिड़ाए, अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। वो छोटे मीनार जो है वहाँ पे हथी में, यहाँ पे लोग नफल अदा करते। इस स्टेडियम मुकाम इब्राहिम, इसके अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशाने भी फुल व्यू देखे। माशाल्लाह बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। अभी मैं जाता हूँ आप लोगों को बाहर से, मैं ज़ियारत कराता हूँ। अंदर का ज़ियारत करा लिया, अभी बाहर से मैं आप लोगों को ज़ियारत कराता हूँ। काबा शरीफ का ज़ियारत कर लिया आप लोगों ने, माशाल्लाह बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। पौने 1 बजे का टाइम है, मैं बाहर आया। माशाल्लाह अभी सब लोग नमाज पढ़ के जा रहे हैं बाहर, मस्जिदुल हरम से बाहर जा रहे। ये सामने जियाद रोड है, जियाद रोड की तरफ जा रहे लोग। माशाल्लाह बहुत रौनक है हरम पाक में। मस्जिदुल हरम के लाइव मनाजिर आप लोग देख रहे, माशाल्लाह सुबहानल्लाह। ये सामने जियाद रोड है, जियाद रोड पे पैर रखने की जगह नहीं है, फुल भर चुका है। माशाल्लाह ये सब लोग जो है अभी होटलों की तरफ जा रहे। माशाल्लाह बहुत रौनक है हरम पाक में, सुबहानल्लाह। अभी मैं नीचे का ज़ियारत कराता हूँ, नीचे भी बहुत रश है। अभी नीचे से व्यू देखे मस्जिदुल हरम का। ये सामने जो है यहाँ पर ये कुदाई पार्किंग का रास्ता है, यहाँ पे ये कैंची का निशान है ये वाला, जहाँ से आप लोग अंदर बाल कटवाने के लिए भी जा सकते हैं, खाने पीने के लिए भी जा सकते हैं। इधर अबराज अलसफ़ा मार्केट है, ये शीशे जो लगे नीले, ये वाला सेकंड फ्लोर है। यहाँ पे खाने पीने की जगह भी है, बाल कटवाने की जगह भी है, प्रेस कराने की दुकान भी है, 481-82 नंबर है। और शॉपिंग की जगह भी है, अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है। ये सफ़ा मरवा की तरफ से लोग एग्जैक्ट आ रहे हैं। जो सुबह के टाइम में दिखाता हूँ कि ये रास्ता WC3 की तरफ गया, वो ये उम्रे के लिए अंदर जा रहे लोग। माशाल्लाह ये यहाँ क्लाक टावर के अंदर जा रहे लोग, ये मेन क्लाक टावर का मेन गेट है यहाँ पे। और यहाँ पे इब्राहिम खलील रोड का रास्ता है, हिजरा रोड की तरफ भी गया हुआ है। पहले यहाँ से कुदाई पार्किंग से लोग जाते थे, लेकिन अभी वो रास्ता वहाँ पर बंद है। इस साइड ये WC3 है, WC3 से के साथ ये जो है जियाद रोड है। माशाल्लाह जियाद रोड पर बहुत रश है, बहुत रौनक है, सुभान अल्लाह।
आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ी सी ज़्यारत कराऊंगा आप लोगों को। अजियाद अलासद रोड है सबसे नज़दीक पार्किंग है मस्जिदुल हरम में। यहाँ से आप लोग मीना, मुजलफा, अराफात, गार हिरा, गार सोर, मक्का में जितने भी ज़्यारत से यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर ये टैक्सियाँ खड़ी है इस जगह पर, माशाल्लाह ये कबूतर देखे, बहुत ज़्यादा कबूतर है, सुबहानल्लाह, ये देखिए बहुत ज़्यादा कबूतर है माशाल्लाह सुबहानल्लाह। यहाँ पे टैक्सी है, टैक्सियों के ज़रिए आप लोग जा सकते हैं ज़्यारतों के लिए मक्का में जितने भी ज़्यारत है माशाल्लाह। इस साइड भी बहुत लोगों की रिहाइश गए, इस रोड के साथ भी जो है बहुत से लोगों की यादें वाबस्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से लोगों का रिहाइश गाह होता है सुभान अल्लाह। ये देखो हर जिन लोगों ने निशान लगाए हुए ये तवाफ़ के दौरान बहुत खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सामने अब्दुल अजीज़ गेट है, यहाँ से आप लोग कपड़ों में भी तवाफ़ के लिए जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। इस साइड अजियाद रोड है, अजियाद अलासद रोड है पहले दिखाया, यहाँ से आप लोगों ने अंदर जाने उमरे के लिए, ये अंदर यहाँ से ये लोग जा रहे हैं 3 नंबर गेट के पास, सिर्फ एहराम वाले हजरात। यह फात गेट की मीनार है, ये WC3 है और ये इसके बैक साइड पे ये अजियाद इमरजेंसी हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप लोग अगर खुदा ना खास्ता आप लोग बीमार पड़ जाए तो यहाँ पे आप लोग आके अपना इलाज करा सकते हैं माशाल्लाह। ये यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है, हबशी लोग जो बाज़ार लगाते, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसमें माशाल्लाह। जियाद रोड की व्यू देखे, आज बाज़ार लगा हुआ है, ये डेली लगते हैं लेकिन इनको ये पुलिस वाले नहीं छोड़ते, भगाते इनको, तो इस वजह से फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। आज पुलिस वाला नहीं है तो इन लोगों ने बाज़ार लगाया हुआ है, लेडीज़ बहुत ज़्यादा है, वरना फिर मैं आप लोग को नज़दीक से भी दिखाता। ये सामने जगह जो है यहाँ पर आप लोग को फ्रिज है, साथ में खजूर भी मिलेगा। यहाँ पे अंदर जाके आप लोग सेकंड फ्लोर पे हर किस्म की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैं आगे जाता हूँ, आगे की ज़्यारत कराता हूँ। मस्जिदुल हरम की सैन का ज़्यारत करें, ये खुदाई पार्किंग का रास्ता है, ये जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला इस सैन से है मस्जिदुल हरम का, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत रौनक है हरम पाक में, दिन ब दिन जो है अभी रश बढ़ता जा रहा है। ये फात गेट की मीनार है, यहाँ पे ये जमजम पानी, यहाँ से 91 नंबर गेट है, यहाँ पे आप लोग लास्ट फ्लोर पे भी जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हैं। ये गेट जो है यहाँ पे अंदर आप लोग नमाज के लिए कपड़ों में भी जा सकते हैं माशाल्लाह, बहुत रौनक है हरम पाक में। अभी फुल व्यू दिखाता हूँ, अभी फुल व्यू देखिए, ये सामने 3 नंबर गेट के अंदर जा रहे लोग उम्रे के लिए, ये सामने 3 नंबर गेट है, इस सड़िया जियाद अलासद रोड है, ये WC3 है और ये वो सामने अबराज अलसफा टावर है, यहाँ पे आप लोग सेकंड फ्लोर पे जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे और खाने पीने की चीज़ें भी है। ये सामने यहाँ पे ये केंची का निशान है, यहाँ पे हेयर ड्रेसर भी है। सही है, अभी मैं आगे ज़्यारत कराता हूँ आप लोगों को। मक्का क्लाक टावर है, 76 फ्लोर है, दुनिया का 3रा बड़ा टावर है, इसका जितना भी इनकम आते हैं सब हरम शरीफ के लिए वक़फ़ किया हुआ है, इससे जितना भी कमाते हैं माशाल्लाह। इस साइड ये सब 5-स्टार होटल है, बुर्ज साइज़ को बोलते हैं मक्का रॉयल क्लाक टावर को, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये सैन का व्यू देखे अभी मस्जिदुल हरम का, अभी मैं आगे जाते आगे आप लोगों को ज़्यारत कराता हूँ। साइड ये ब्रिज जो है इसकी दूसरी साइड पे इब्राहिम खलील रोड है, एक तरफ हिजरा रोड है, इस तरफ हिजरा रोड है, उस तरफ इब्राहिम खलील रोड है, बाई तरफ हिजरा रोड है, दाई तरफ जो है इब्राहिम खलील रोड है माशाल्लाह। यहाँ पे अगर आप लोगों ने सिम लेनी है, सेड़ों पे सिम वाला भी बैठे, यह रास्ता WC4 और WC8 के सेंटर में निकलते, यहाँ पे लोग फ्री चावल ले रहे, ये यहाँ पे भी अभी लेन लग गया, यहाँ पे भी दे रहे, ये देखो लोग भाग के जा रहे, और यहाँ पे पहले से लेन लगा हुआ है, ये देखो ये बच्ची के साथ है, एक चावल का डब्बा होता है, साथ में एक जूस का डब्बा होता है या सैंडविच होते हैं, उसके साथ एक जूस होता है। अभी मैं जाता हूँ अंदर, मेरा काम का टाइम स्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह फिर बाद में अगर टाइम मुझे मिला तो मैं आप लोगों को ज़्यारत कराऊँगा। आप लोग अंदर नमाज के लिए आ सकते हैं कपड़ों में भी, लेकिन आगे काबा शरीफ के पास नहीं आ सकते। यहाँ ये सेड़ों पे कुरान पाक रखे, यहाँ पर आप लोग कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं और नमाज के लिए आराम के लिए भी बेहतरीन जगह है।
इस एरिया माताफ का ग्राउंड फ्लोर और यहाँ से नीचे जाते हैं लोग काबा शरीफ के पास। और माताफ का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे लोग व्हील चेयर पर तवाफ करते हैं। ये देखते हैं क्योंकि व्हील चेयर को भी नीचे नहीं छोड़ते और ये लोग नीचे काबा शरीफ के पास जा रहे हैं। नीचे आया काबा शरीफ के पास, माशाल्लाह जोर के टाइम का ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। बाबुल उमरा के सामने मैं खड़ा हूँ, माशाल्लाह बहुत रौनक है हरम शरीफ में, काबा शरीफ की लाइफ मनाजिर है। आज हफ्ते का दिन है, तारीख है, आज हफ्ते का दिन है, तारीख 23 नवंबर 2024। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग आ रहे हैं उम्रा करने के लिए। सुबहान अल्लाह, बहुत रौनक है हरम पाक में, काबा शरीफ की लाइफ मनाजिर है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने घर की ज्यारत नसीब करे, काबा शरीफ की ज्यारत नसीब करे। माशाल्लाह ये इस साइड फात गेट है, फात गेट की तरफ से लोग आ रहे और ये उम्रा गेट की तरफ लोग अंदर जा रहे। माशाल्लाह उस साइड सफ़ा मरवा का रास्ता है। माशाल्लाह हरम शरीफ की रौनक आप लोग देख रहे, बहुत रौनक है हरम पाक में। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को काबा शरीफ की ज्यारत नसीब करे। सही है, अगर बाद में मुझे टाइम मिला काबा शरीफ से वीडियो बनाने की तो काबा शरीफ की ज्यारत कराऊंगा। काबा शरीफ की ज्यारत करने का टाइम नहीं मिला तो इंशाल्लाह बाहर से आप लोगों को मैं ज्यारत कराऊंगा। असर का अजान का टाइम है, अभी असर का अजान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये असर का अज़ान था।
अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं भी दुआ में याद रखूंगा। अभी दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।